के सिनेमा में नीतू सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार और यादगार फिल्में की, जिसके वजह से नीतू ने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई। नीतू सिंह ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी के चलते आज की स्टोरी में हम आपको नीतू सिंह द्वारा निभाए गए कुछ सबसे दमदार किरदारों के बारे में बताएंगे। साल 1974 में आई फिल्म जहरीला इंसान में पहली बार ऋषि कपूर और नीतू सिंह जोड़ी दिखाई दी थी, जिसमें नीतू ने क्रिश्चियन लड़की का रोल अदा किया था। इस फिल्म में नीतू सिंह और ऋषि कपूर के अलावा प्राण और मौसमी चैटर्जी भी अहम भूमिकाओं में थे। जहरीला इंसान के रिलीज के अगले ही साल यानी साल 1975 में एक बार फिर से नीतू सिंह और ऋषि कपूर फिल्म खेल खेल में साथ नजर आए। इस फिल्म में राकेश रोशन भी एक अहम किरदार निभाते नजर आए। ये फिल्म नीतू और ऋषि के साथ में पहली हिट फिल्म थी, जिसके बाद इंडस्ट्री में ये जोड़ी हिट हो गई थी। हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में एक है दीवार, साल 1975 में रिलीज हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की लाजवाब अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। मगर जब इस फिल्म की बात होती है तो नीतू सिंह का जिक्र करना जरूरी होता जाता है। इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर की प्रेमिका का किरदार निभाया था। साल 1976 में रिलीज हुई नीतू सिंह की एक और शानदार फिल्म कभी कभी, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में नीतू सिंह के साथ अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर, वहीदा रहमान जैसे कई बेहतरीन कलाकार नजर आए थे। खास बात यह है कि इसी फिल्म में नीतू और ऋषि कपूर की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गयी थी। वीर में नीतू सिंह का किरदार काफी दमदार था। साल 1977 में आई इस फिल्म में नीतू ने एक कबीले के सरदार की होने वाली पत्नी रूपा का रोल निभाया था। इस फिल्म में नीतू के साथ जितेंद्र, धर्मेंद्र, जीनत अमान, रंजीत, प्राण और जीवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म अमर अकबर एंथनी नीतू सिंह के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी अमर अकबर एंथनी में नीतू और ऋषि कपूर की जोड़ी ने एक बार फिर खूब धमाल किया। कस्मे वादे, साल 1978 में आई फिल्म कस्मे वादे में नीतू सिंह का किरदार छोटा मगर असरदार था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर अहम किरदार में थे और नीतू ने रणधीर की मंगेतर का रोल निभाया था।